Hello students, today we will begin with the first chapter of our maths of class 2nd. Basically it is, but it is fun reading this chapter and understanding this chapter, so every student can listen to this audio, can see this video and enjoy the topic. So we will study here is what is long and what is round. Long is what? Long is something that is lengthy, like the bamboo, जो बांस होता है, बांस के डंडे को आप जानते हैं सभी लोग, वो लंबा होता है. एंड वॉट इज़ राउंड? राउंड इज द शेप दैट इज दैट हैज़ बीन मोल्डेड इन टू अ बॉल. राउंड मीन्स जो कि गोल होता है. बेसिकली जस्ट मेक इट फ्रॉम योर हैंड्स, हैंड्स को आप स्ट्रेट रखेंगे तो योर हैंड्स आर नाउ लॉन्ग, एंड राउंड करेंगे तो आपकी पांचों फिंगर्स से आप ऐसे राउंड बॉल शेप का, जैसे आप कुछ कोई चीज़ होल्ड करते हैं तो आपका जो हैंड है दैट बिकम्स इन द शेप ऑफ राउंड, वो फिर राउंड हो जाता है. सो बैट एंड बॉल इज़ द मेन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग एंड राउंड. बैट इज़ बेसिकली लॉन्ग एंड बॉल इज़ बेसिकली राउंड. ओके, so we will begin with the chapter. Guess its name. Okay, ek uncle rehte hain Miku. Who, what is the name of the uncle? Miku. Just we will do one thing, you have to play this game in your house with the family, with your family members. Okay, what you have to do is, क्या करना है आपको कि आप एक बैग लीजिए और उसमें आप कुछ चीज़ें डाल दीजिए, जैसे आपने पेंसिल डाल दिया, स्केल डाल दिया, इरेजर डाल दिया, छोटी छोटी बॉल्स डाल दी इफ़ इट इज़ अवेलेबल. एंड देन जो घर में फैमिली मेम्बर्स हैं उनका हाथ बैग में आप पुट कराएंगे, बैग में वो लोग हाथ डालेंगे, एंड जस्ट दे हैव टू गेस द नेम विदाउट टेकिंग आउट द ऑब्जेक्ट. बैग से बिना हाथ निकाले दे हैव टू गेस द नेम ऑफ व्हाट दे हैव हेल्ड. उन्होंने बैग के अंदर क्या पकड़ा है उसका वो लोग नाम बताएंगे. ओके, दिस चैप्टर अप टिल हेयर दिस ऑल्सो. यहाँ पे क्या होता है, एक अंकल मीकू रहते हैं, उन्होंने एक बैग में कुछ चीज़ें डाल दी होती हैं, उनको बच्चे बहुत पसंद होते हैं, बच्चे उनके साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं और वो बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं, तो उन्होंने बैग में कुछ चीज़ें डाल दी होती हैं और फिर बच्चों से कहते हैं एक एक करके उन चीज़ों बैग से चीज़ें निकालने के लिए विदाउट टेकिंग इट्स नेम. और फिर उस गेम का नाम रहता है गेस इट्स नेम, उसका नाम आपको गेस करना होगा. सेम यू कैन डू विद योर फैमिली मेम्बर्स. आप एक बैग ले लीजिए, उसमें कुछ चीज़ें रख लीजिए और फिर बिना हैंड को निकाले अपने फैमिली मेम्बर्स से कहिए, उसको गेस करेंगे. ओके, नाउ यू विल बी अंकल मीकू हेयर. ओके, अभी हम क्लास में इसको करते तो आपकी जो टीचर होती है वो अंकल मीकू होती, लेकिन अभी यहाँ पर आप अंकल मीकू होंगे. ओके, सो वॉट यू हैव टू डू इज अंकल मीकू वॉट ही डज इज ही सिंग्स लाइक फाइंड आउट. अंकल मीकू पुट्स हिज हैंड इन द बैग. वो क्या करते हैं, हाथ में बैग डालते हैं और फिर उन्होंने टीमिंग कर रखी हुई है, एक टीम ए बनाई हुई है, एक टीम बी बनाई हुई है. ओके, तो टीम ए सॉन्ग को सिंग करती है. ओके, क्या करती है, फाइंड आउट विद योर आईज शट वेल, टच इट विद योर हैंड्स एंड टेल. Tell us how it feels. We guess its name and when the game. क्या कहते हैं टीम ए कि अपनी आंखें बंद करिए, हाथ को बैग के अंदर डालिए और उसका नाम गेस करिए. ओके, जो इसके नाम गेस कर ले जाएगा दैट टीम विल विन, वो टीम जीत जाएगी. ठीक है, सो दिस गेम वी हैव टू. सो अंकल, वॉट डज अंकल मीकू डज हेयर, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. अंकल मीकू की आंखें उन्होंने बांध दी हैं पट्टी से, pointed at one end, flat at the other, but round like a pie. Guess what it is? Pointed at the end. आपकी पेंसिल जो होती है एक साइड छिली हुई, आप गेस करिए. जस्ट पॉइंटेड एट वन एंड, एक साइड पॉइंटेड है और दूसरा साइड फ्लैट है. ओके, और एक लंबी सी पाइप की तरह है. मैं गेस कर सकती हूँ, इट इज़ अ पेंसिल. टीम ए सेज पेंसिल. डू यू ऑल्सो थिंक सो, क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब ऐसे ही आप अलग अलग आंसर्स अपने सोचेंगे. ओके, आप ऐसे क्वेश्चंस, आप मम्मा की आँख में पट्टी मार दीजिए, एक बैग में सामान डाल दीजिए, मम्मा को बोले निकालने के लिए. ओके, इट इज़ फन प्लेइंग विद द फैमिली. सो दिस इज़ द बेसिकली द कंसेप्ट हेयर इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ लॉन्ग एंड वॉट इज़ राउंड. वॉट इज़ लॉन्ग? लॉन्ग किस कैसा होता है और राउंड शेप कैसे होते हैं. ओके, now this time team a puts their hand in the back and they sing, round all round has no corners, I can rule it in my hand. Guess what it is? Round hai sare corners pe, haath mein aap ghuma sakte hain, roll kar sakte hain. Kya hai? I have guessed it is an eraser.
इट इज़ अ बॉल बेसिकली. ओके, सो ऐसे ही गेम कंटिन्यू होगा, चलता जाएगा. तो अभी आप लोग बेसिकली आपको लॉन्ग राउंड का डिफरेंस समझ में आना चाहिए था. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. सो हाउ स्ट्रांग इज़ अ पोस्ट कार्ड. एक पोस्ट कार्ड को आप एक कॉर्नर से होल्ड करिए. इफ़ यू कीप अ बुक ऑन इट, कैन इट होल्ड द बुक. बताओ, एक पोस्ट कार्ड आपने लिया, उसको आपने बुक के नीचे कर दिया, ठीक है, तो क्या बुक ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है. एक बार चेक करिए. नाउ ट्राई दिस, रोल अ पोस्ट कार्ड टू मेक अ पाइप. अब उसको आप पूरा रोल कर दीजिए पोस्ट कार्ड को. पोस्ट कार्ड इज़ बेसिकली अ पीस ऑफ पेपर. ओके, जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज. आप उसके टेप को यूज़ करिए उसके एंड्स को स्टिक करने के लिए. ओके, नाउ उस पर एक बुक रख दीजिए. पोस्ट कार्ड इज पीस ऑफ पेपर दैट इज़ हार्ड बेसिकली. ओके, तो उसके ऊपर आप बुक्स रखिए. अब आपको देखना है कि कितने बुक्स वो होल्ड कर सकता है. हाउ मेनी बुक्स डज दैट पोस्ट कार्ड. योर नेक्स्ट एक्टिविटी इज, चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ सर्कल इन द क्लास. बच्चे अगर क्लास में सर्कल में बैठे हुए हैं और दे आर प्लेइंग दिस गेम बाई क्लैपिंग एंड सिंगिंग. आप लोग भी क्लास में क्लैप करते हैं, जंप करते हैं, सिंग करते हैं, डांस करते हैं, ब्लिंक करते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप ऑलरेडी क्लास में करते हैं. सो दीज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो सिटिंग इन अ ग्रुप. एंड वॉट इज़ लॉन्ग, वॉट इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड. देन वन ऑफ देम, वन ऑफ अमंग दीज सेज, अ बैट इज लॉन्ग, अ बॉल इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड. जस्ट सिंग दिस सॉन्ग. What is long? What is round? Bat is long and ball is round. What is long? What is round? A bat is long and a ball is round. Simple. Okay, beta. Now everybody will sing this. You have to sing in your own houses. When we will come to the class, then we will sing in the class itself. Okay. Next one. Meenu says, bottle is long, a cap is round. Look around, look around. So basically, two rhymes here you have got. Two rhymes. A bat is long, a ball is round, look around, look around. A bottle is long, a cap is round, look around, look around. Now our next topic is what rolls and what slides. Matlab, what rolls and what slides. School mein aapke ek slider hai na, is type ka. Just look at her. वन स्लाइडर यू हैव इन योर स्कूल जो कि आपके रूम्स के बाहर रखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड स्लाइडर. आप उस पर क्या करते हैं, इधर से चढ़ के आते हैं, फिर ऊपर आके इधर से स्लाइड करते हैं. करते हैं ना एवरीबॉडी, जस्ट लुक एट द पिक्चर. यही करते हैं आप स्कूल में भी. दिस इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग. आप बॉल्स खेलते हैं तो क्या करते हैं, बॉल क्या करता है, आप बॉल को अगर थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो दैट विल रोल. सो अ बॉल रोल्स एंड अ स्लाइडर स्लाइड्स. ठीक, स्लाइड करके आप कभी कभी गिर भी जाते हैं. ओके, हाँ, कभी आप पेड़ पे चढ़ते हैं तो उस पर सरकते हैं. स्लाइडिंग इज़ बेसिकली सरकना एंड रोलिंग इज़ बेसिकली घुमाना. ओके, नाउ आपको एक किस चीज़ पे आप रोल कर सकते हैं, किस चीज़ पे आप स्लाइड कर सकते हैं आपके खुद के घर में. यू हैव टू जस्ट लुक अराउंड इट एंड टेल मी द शेप्स. आपके लिए एक एक्सरसाइज हमने यहाँ पे तैयार करी हुई है. थिंग्स विच कैन रोल यू हैव टू राइट हियर, थिंग्स विच कैन स्लाइड यू हैव टू राइट हियर, एंड थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड यू हैव टू राइट हियर. ओके, so now you have to take a piece of paper, a sheet of paper. Activity we have got, you have to take a sheet of paper. You have to take a sheet of paper like this. आपको पेपर को रोल करना है जैसे कि आपने पोस्ट कार्ड को रोल किया हुआ था. आपका पेपर इस तरह का बन जाएगा. अब एक ग्लू और टेप से आप उसको स्टिक कर देंगे. पेपर को आप गोल सा रोल करेंगे. आप लोग क्लास में खेलते हैं पेपर के साथ, वही सेम आपको घर पे करना है. ठीक है, उसके बाद सीजर से आपको स्ट्रिप्स को एक एंड से काट देंगे. एंड यू हैव टू जस्ट मेक 7 or 8 कट्स ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रिप. सिर्फ ऊपर ऊपर काट के बनाना है. ठीक है, टर्न डाउन द कटेड्स. आप क्या ट्री रेडी है. वी हैव मेड अ टाइनी ट्री. सो प्रोजेक्ट इज टाइनी ट्री. ओके, ये आप लोग ट्री बनाना है. नाउ यू हैव टू कलर द लॉन्ग पार्ट विद द ब्राउन कलर एंड द कलर्स यू हैव एंड द पार्ट यू हैव कट विद द सीजर्स यू हैव टू कलर इट ग्रीन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टॉलेस्ट टार. So you have, we have got another assignment here. We have to make our tower. We have to collect the match boxes. जो matches की जितनी डिब्बे आपके घर में होंगे उनको आप collect कर लीजिए. Erasers आप collect कर लीजिए. Balls आप collect कर लीजिए. ठीक है, जितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप घर में collect कर सकते हैं आप collect कर लेंगे. और आप उसका longest tower, जितना आप लंबा tower बना सकते हैं उतना लंबा tower बनाएंगे. Okay? Tower is basically लंबा सा होगा, बड़ा सा पोल सा, जितना लंबा आप देखिए बस
कितने मैच बॉक्सेस आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं, कितनी दूर तक वो गिरता नहीं है। जब गिरना शुरू होगा तो वहाँ पे आप रुक जाएंगे और फिर आप उसको स्केल से मेजर करके बताइएगा कि कितना लंबा आपका बना हुआ है। ओके, नाउ यू हैव टू मेक डिफरेंट थिंग्स, शू एंड बॉक्सेस एंड टिन्स इन टुगेदर, बॉल्स एंड मैच बॉक्सेस टुगेदर। ओके, नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज कॉइन प्ले, try doing these with your coin. Take one coin, ask your parents to give you one coin. Coin को इस तरह से होल्ड करेंगे, एक सिक्का आप हाथ में लेंगे, उसको इस तरह से पकड़ेंगे, अब coin को आप spin करेंगे। Spin करेंगे जब आप coin को, spin means ऐसे दोनों fingers को cross करके ऐसे घुमा देना है, तो वो coin spin करेगा जब, तो वो एक ball का shape ले लेता है। ठीक है, तो अब फिर आप देखेंगे कि क्या coin roll कर सकता है, फिर देखेंगे क्या coin slide कर सकता है कि नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक 1 या 2 रुपी का कॉइन, 2 रुपी का कॉइन इज स्लाइटली थिकर देन द 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन इज मोर थिकर देन द 1 और 2 रुपी कॉइन। तो अब आपको क्या करना है कि उनको खड़ा करके देखना है, जस्ट मेक देम स्टैंड एंड देखिए वो खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं। कॉइन्स को आप देखना है खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं। यू हैव टू डू दीज एक्टिविटीज़ एट होम विद द कंसेप्ट कि कौन सी चीज़ें रोल कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें स्लाइड कर सकती हैं, लॉन्ग क्या होता है और राउंड क्या होता है। ओके बेटा, आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कॉन्टेंट। सो नाउ यू हैव टू जस्ट डू दिस कॉइन प्ले एक्सरसाइज एट होम। ओके, थैंक यू।